हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि सैमसंग ईयरबड्स आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे कनेक्ट करना है और ये प्रॉब्लम जो आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन में या ब्लूटूथ में एरर आ जाता है सेटिंग में सिस्टम, तो उसको ठीक करना होगा, तब जाके आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड से प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे सैमसंग के बड्स में भी हो सकता है और हमारे फ्रेंड्स फ़ोन में भी हो सकता है, तो दोनों जगह से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पर अब आपको ऐप्स में जाना है, फिर उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। तो गाइस, जहाँ सारे ऐप होते आपको उसमें जाना है और अब आपको अपने सिस्टम ऐप में जाना। तो शो सिस्टम करके यहाँ थ्री डॉट्स दिख जाएगा आपको। अगर आप फ्रेंड्स दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप देख लेना सिस्टम ऐप आपकी लिस्ट कहाँ है, वहाँ पे क्लिक करके चले जाना है। और एंड्रॉयड सिस्टम फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, सिस्टम एप्लीकेशन है। सिस्टम एप्लीकेशन की लिस्ट में आपको इसका डाटा क्लियर करना है और आपको इसके बाद बी के लिस्ट में जाना है। तो यहाँ देखिए, दो एंड्रॉयड सिस्टम है, अगर आपके इसमें भी एंड्रॉयड सिस्टम दो होगा तो दोनों का कर देना फ्रेंड्स। अब आपको बी की लिस्ट में जाना है और यहाँ आपको ब्लूटूथ दिखेगा, ब्लूटूथ का भी डाटा क्लियर करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना है और यहाँ आपको ई के लिस्ट में आना है। तो गाइज, इसके बाद और भी सेटिंग बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप पूरी सेटिंग करना है, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंजीनियर नेटवर्क आपको दिख जाएगा, आपको इसको भी क्लियर डाटा कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रियलमी का मोबाइल है, अगर आप कोई दूसरा मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर नाम अलग हो सकता है। तो नेटवर्क जो भी होगा, आपका नेटवर्क लिखा होगा, उसका डाटा क्लियर कर देना। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लूटूथ का नेटवर्क फ्रेंड्स वो रिफ्रेश हो जाएगा, जो एरर आया है वो रिमूव हो जाएगा और आपका कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगा और आपका चलने लगेगा। तो चलिए, अब आगे की भी सेटिंग आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो नेटवर्क हेल्थ सर्विस आपको दिखेगा, इसका आपको डाटा क्लियर कर देना है, इसका भी क्लियर ऐप डाटा। और आपको बैक चले जाना है, तो इसका भी डाटा क्लियर करने का आपको बैक हो जाना है। और नीचे आपको सबसे आना है और यहाँ आपको एक वायरलेस सेटिंग दिखता है डब्ल्यू के लिस्ट में, अगर आपके इसमें है तो आपको ज़रूर इसको फ्रेंड्स, वायरलेस एयरफोन है, वायरलेस सेटिंग होगा, दोनों को आपको कर देना। अगर आपके मोबाइल के अंदर ये सेटिंग का ऑप्शन में है तो आपको करना, नहीं है तो फ्रेंड्स आगे की जो सेटिंग बताऊंगा आपको वो करना है। तो बहुत सारे मोबाइल में होता है, बहुत सारे उसमें नहीं होएगा, तो आप देख लेना, अगर है तो कर देना। तो इतना करने का फ्रेंड्स, आपको बैक जाना है और आपको सेटिंग के होम पेज पे आने का, यहाँ आपको सर्च करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपको इसमें सर्च का ऑप्शन नहीं तो मैनुअली आप ढूंढ लेना रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपका ऑप्शन किधर है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ लॉक मांगता है, आपको देना है। फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग देखिए नीचे दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करके फिर से रीसेट कर देना। तो यहाँ हमारा रीसेटिंग हो रहा है, जैसे हमारा होगा फ्रेंड्स ब्लूटूथ का पूरा हमारा नेटवर्क रीसेट हो जाएगा और जो भी हमारी प्रॉब्लम थी ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी की, वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक और है, आपको अपने ब्लूटूथ को भी रीसेट कर लेना है, जो आपका ईयरबड्स है उसको भी रीसेट कर लेना है। तो आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, कैसा रीसेट कर लेगा आप देख लेना। और आपको कलेक्शन ए शेयरिंग में आला है, अगर आप एंड्रॉयड 12 यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्विक डिवाइस कलेक्ट का, तो देख ला आपके उसमें है कि नहीं, अगर है तो इसको आपको इलेबल कर लेना है। आपकी लोकेशन फ्रेंड्स, जब भी आप कलेक्ट करोगे सैमसंग ईयरबड्स तो चालू रख ला है, इनेबल कर ला है, लोकेशन लेयर भी डिवाइस ये सब ऑन करना, ब्लूटूथ ऑल कर ला, फिर आपको कलेक्ट कर ला है, आराम से कलेक्ट हो जाएगा। और अपने फ़ोन को भी अपडेट देख लेना है के लिए, अगर अपडेट मांगता है तो आपको अपना अपडेट दे देना है। तो अपने फ़ोन को अपडेट कर लेना, अगर अपडेट मांग रहा है तो बहुत सारी फ्रेंड जो एरर होते हैं वो अपडेट में फिक्स हो जाते हैं, इस वजह से आपको फ़ोन को अपडेट करना है अगर मांग रहा है तो। तो दोस्तों, जो भी बताया स्टेप उसको फॉलो कीजिए, अपने ईयरबड्स को भी रीसेट कीजिए और जो ये सेटिंग बताया वो करना है, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका कनेक्ट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।